यूपी के प्रयागराज के बहरिया में स्थित गाजी मियां की मजार पर निशान चढ़ाने को लेकर बवाल हो गया। रविवार को कोरोना कर्फ्यू में अधिक संख्या में निशान चढ़ाने जा रहे लोगों को वहां तैनात सिपाहियों ने मना किया। इससे आक्रोशित होकर लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। पथराव में 3 सिपाही जख्मी हो गए, इनमें एक महिला सिपाही भी थी। बहरिया के सिकंदरा स्थित गांजी मियां की मजार है। यहां दूर दूर से लोग अपने मुरादे पूरी करने पर निशान चढ़ाने पहुंचते हैं। रविवार होने की वजह से यहां भीड़ भी अधिक रहती है। इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया है, यानी शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगा है। इसलिए गांजी मियां की मजार पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो सके। इसी बीच रविवार की दोपहर में थाना सराय ममरेज के गोपालीपुर गांव निवासी चंद्रशेखर पुत्र शंभुनाथ का निशान आया था। निशान लेकर 30 से 40 लोग गाजी मियां की मजार की तरफ बढ़ने लगे। मजार में ताला बंद होने की जानकारी उन्हें मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दे दी थी, साथ ही लोगों को वापस जाने को कहा। ये सुनकर निशान लेकर पहुंचे लोग भड़क गए। सिपाहियों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन निशान लेकर आए लोग उनसे गाली गलौज करने लगे। कुछ सिपाहियों ने इसका विरोध किया तो ईंट पत्थर चलाने लगे। बताते हैं कि निशान में कुछ लोग अपने डंडा भी लिए हुए थे। दोनों तरफ से मारपीट होने लगी, जिसमें 3 सिपाही घायल हो गए। घायल सिपाहियों में चंद्रबीर, नंदलाल और महिला सिपाही सुमन थी। से चोट लगी? जी लोग गए और निशान चढ़ने के लोग आए, पता नहीं था कि यही बारीक लोग हैं, सिकंदरा के हैं लोग, हरवाई के हैं लोग, जी नाम पता नहीं था जी। इतना आसानी से लोग मत फेस करने लगे जी। और हम लोग सोचे कि भैया आप बगल हो जाइए, मत फेस करिए, आज संडे है ना, नहीं चढ़ाने मत चढ़ाइए आप लोग, और मना हुआ है तो नहीं हम चढ़ाएंगे। और लग रहा है कि आगे से प्लानिंग बना हुआ था मारपीट का, तो मार शुरू हो गया है। 10 ईंटा पत्थर डंडा लाठ चलने लगे। तो आपको चोटें कैसे लगी? हमको चोटें एक भैया पता नहीं क्या, हम देख नहीं पाए, भैया हम पीछे से ही मारा गया। आपको डंडे से मारा गया? डंडा था क्या था हम बता नहीं सकते, देख भी नहीं। कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? सिर में लगा है, कमर में लगा है, एक बाजू नीचे लगा हुआ है। क्या नाम है मैडम आपका? सुमन। किस थाने में तैनात हैं आप? बहरिया थाने में कांस्टेबल। पुलिस पर हमले की सूचना पर वहां कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। तत्काल 3 सिपाहियों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरिया में भर्ती कराया गया। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।